हाई एवरी वन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम टू राइट गाइडेंस एंड एम्बिशन। माई नेम इज़ अंजलि। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट वन वो डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो में बताया था कि यूनिट वन के अंदर टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं जो मैंने अपलोड की हैं चैनल पर, प्लीज़ पहले आप वो वीडियोज़ देखो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर रही हूँ आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। Now, without wasting more time, let's start with our topic. So, question number 5, discuss ideology, social base, policy and program of the Communist Party of India, Marxist, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं CPIM. सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। जो CPIM पार्टी है ये 1964 में बनी है। अब ये पार्टी स्प्लिट है CPI का। मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि CPI पार्टी बनी थी 1924 में। अब CPI में कुछ मेंबर्स थे जिनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे या फिर उनकी आपस में जो है बन नहीं रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी खुद की पार्टी फॉर्म कर दी 1964 में, जिसका नाम उन्होंने रखा CPIM। अब यहाँ पर 3 मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से CPIM बना। फर्स्ट है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, कि सिद्धांतों को लेके, प्रिंसिपल्स को लेके कि पार्टी कैसे चलानी है उसको लेके जो मेंबर्स हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आए, इसीलिए उन्होंने पार्टी बनाई। सेकंड, चाइनीज़ अटैक ऑन इंडिया इन 1962 के अंदर इंडिया चाइना में वॉर हुआ था, जिसकी वजह से जो ये पार्टी के कुछ मेंबर्स हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। थर्ड, रिफ्ट इन द इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट। अब पूरे वर्ल्ड में दो ही आइडियोलॉजीज फेमस हैं, एक है कैपिटलिज्म, दूसरी है कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म में हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं और कम्युनिज्म के अंदर हम नेशनलिज्म यानी कि पब्लिक जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा उसकी बात करते हैं। तो एक टाइम ऐसा था कि ये पूरी मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में चल रही थी, कम्युनिस्ट मूवमेंट, जिसकी वजह से वो जो लीडर थे वो सपोर्ट कर रहे थे इस मूवमेंट को। तो यहाँ पर 3 मेन डिफरेंसेस है जिसकी वजह से CPIM जो है वो बनी है, CPI से अलग हो गए। अब ये जो CPI पार्टी के मेंबर्स हैं इनके अलग अलग व्यूज़ थे कांग्रेस को लेके। एक साइड तो जो लीडर्स थे वो राइटिस्ट थे, राइटिस्ट मतलब जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे और कांग्रेस की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें कॉपरेट कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो मेंबर्स थे वो लेफ्टिस्ट थे जो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और देवर ऑफ द व्यू दैट सोशलिस्ट पैटर्न सोसाइटी एज डिक्लेयर्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज एन आई वॉश, कि जो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट पैटर्न दिखा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं चेंज करने की वो सिर्फ आंखों का धोखा है, वो सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई भी वो सोशलिस्ट या वेलफेयर पॉलिसीज़ नहीं निकाल रहे हैं। सो इन 1964 32 आउट ऑफ 101 मेंबर्स सेपरेटेड एंड फॉर्म्ड CPIM। तो इसीलिए 1964 में 32 मेंबर्स टोटल CPI में उस टाइम पे 101 मेंबर्स थे, उसमें से 32 मेंबर्स अलग हो गए और अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बना दी CPIM। एम मींस मार्क्सिस्ट। नेक्स्ट हेडिंग है आइडियोलॉजी, मींस जो CPIM पार्टी है वो किन सिद्धांतों और प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है। फर्स्ट है मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। मार्क्स और लेनिन दोनों लीडर्स रह चुके हैं रशिया के, और रशिया से ही जो ये कम्युनिज्म मूवमेंट है इसकी शुरुआत हुई थी, और पूरे दुनिया में धीरे धीरे जो है कम्युनिज्म के ग्रुप्स बनने स्टार्ट हो गए थे कंट्रीज़ में। अब CPIM जो है उसका पूरा बिलीव है इन प्रिंसिपल्स पे जो मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म ने स्टार्ट किया था। अब इनका ये कहना है कि सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी, कास्टिज्म, एक्सप्लॉयटेशन, इनजस्टिस और सोशल लेवल्स, इनके लिए कोई भी जगह नहीं है, ये सोसाइटी को बैकवर्ड बनाती हैं। तो सरकार को कोशिश करनी है कि ये सारी चीज़ें जो है सोसाइटी से एलिमिनेट हो जाएं। ऑल द सिटीजन शैल हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, हर नागरिक के पास जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए एक जैसी। ऑल विल बी गिवन द गारंटी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, हर किसी को एक सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस और सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है सेकुलरिज्म। CPIM हैज़ फुल फेथ इन सेकुलरिज्म। CPIM का जो है कम्प्लीट फेथ है सेकुलरिज्म के अंदर, और वो चाहते हैं कि रिलीजन जो है हमेशा पॉलिटिक्स से अलग रहना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग जो है BJP, RSS, शिवसेना, मुस्लिम लीग, ये सारी कम्युनल पार्टीज़ हैं, मीन्स धर्म के नाम पर बनी हुई पार्टीज़ हैं, और उसी बेसिस पे ये जो है अपनी पॉलिटिक्स खेलते हैं और पावर में आते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि कभी भी वो इन पार्टीज़ के साथ अलायंस नहीं बनाएंगे। थर्ड पॉइंट है एंटी कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब है प्राइवेटाइजेशन। जिन कंट्रीज़ में प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है उस कॉन्सेप्ट को ये बिल्कुल गलत मानते हैं। CPIM इज़ अपोज टू कैपिटलिज्म, इट कंसिडर्ड हार्मफुल फॉर द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया। ये कहते हैं कि इंडिया की आर्थिक व्यवस्था के लिए कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी जो है बहुत बुरी है। इट सपोर्ट्स एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। ये कहते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो
गवर्नमेंट के हाथ में होने चाहिए, कितने टैक्सेस लगाने हैं, कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करना है, वो सारे डिसीजन जो है गवर्नमेंट के हाथ में होने चाहिए। इसीलिए ये पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं प्राइवेट सेक्टर से। फोर्थ पॉइंट है अंगेज नियो ग्लोबलिज्म। एक टाइम था जब कंट्रीज दूसरी कंट्री पे डायरेक्टली अटैक करती थी, कब्जा कर उन पर रूल करती थी, बट आज का टाइम क्या है, कंट्रीज अपनी ही कंट्री में बैठकर दूसरी वीक कंट्रीज को लोन देते हैं और अपने अकॉर्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन के उनसे जो है इंटरनेशनल लेवल पे डिसीजंस मनवाते हैं। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं नियो कॉलोनियलिज्म, यानी कि एक नया सिस्टम है जिसमें कंट्रीज को कॉलोनीज बनाया जा रहा है दोबारा से। CPIM इस सिस्टम के टोटली अगेंस्ट है। CPIM इज ऑफ द व्यू दैट ड्यू टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट इन 1991, इट्स डायरेक्शन एंड डेवलपमेंट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द टर्म्स और कंडीशन बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF बिकॉज इंडिया टुक लोन फ्रॉम देम। अब यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई थी जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उसको प्राइवेटाइज्ड किया था। अब ये कहते हैं कि इन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम पे इंडिया ने वर्ल्ड बैंक और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने जैसा उन्होंने बोला है इंडिया में चेंजेस करने के लिए, प्राइवेटाइज करने के लिए, उन्होंने इसीलिए प्राइवेटाइज कर दिया। तो ये एक सिस्टम है जिसके वो टोटली अंगेंस्ट हैं कि लोन देकर जो है जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंट्रीज़ हैं दूसरी कंट्रीज़ को अपनी कलोनी बना रहे हैं। पॉइंट है नेशनल यूनिटी। CPIM जो है इस चीज़ में कम्प्लीटली बिलीव करती है कि इंडिया हमेशा यूनाइट रहना चाहिए और इंटीग्रेट रहना चाहिए। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इंडिया में कभी भी अगर कहीं सेपरेटिज्म की डिमांड उठती है कि कोई भी पार्ट कहता है कि हमें इंडिया से अलग होना है या इंडिपेंडेंट पार्ट बनना है या किसी और कंट्री का पार्ट बनना है, तो उस टाइम पे CPIM जो है उस मूवमेंट को कम्प्लीटली अपोज करती है। नेक्स्ट हेडिंग है सोशल बेस, कि सोसाइटी में से कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो CPIM को सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट है वर्किंग क्लास। CPIM का जो मेन सपोर्ट आता है वो वर्किंग क्लास से आता है और पार्टी जो है कमिटेड है कि वो हमेशा जो है लेबर क्लास के और वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, चाहे वो किसी भी सेक्टर में वर्क करते हों, ऑर्गेनाइज्ड मींस पब्लिक सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड मींस प्राइवेट सेक्टर। सेकेंड पॉइंट है लैंडलेस एंड स्मॉल पीसेंट्स। जितने भी लैंडलेस और स्मॉल पीसेंट्स हैं वो भी इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि इस पार्टी ने किसान सभा बनाया है जो ऑल ओवर इंडिया के जो किसान हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और जो गवर्नमेंट है उसको अवेयर करते हैं उनके रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। थर्ड एजुकेटेड मिडिल क्लास। एजुकेटेड मिडिल क्लास भी है CPIM को सपोर्ट करती है, जिसके अंदर टीचर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर, जर्नलिस्ट, ये सारे लोग जो है CPIM को वोट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है शेड्यूल कास्ट। अब CPIM पार्टी ने एक सर्वे करवाया था जिसके थ्रू उन्हें पता लगा कि शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। फिफ्थ यूथ क्लास। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस द यूथ। अब ये जो आइडियोलॉजी है जिसके अंदर बोला गया है कि सारा कुछ नेशनलाइज्ड होना चाहिए, प्राइवेटाइज्ड चीज़ें जो है कम से कम होनी चाहिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं और दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो ये आइडियोलॉजी ने जो है यूथ क्लास को बहुत इन्फ्लुएंस्ड किया है। और यूथ क्लास का ऐसा मानना है कि जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, लाइक पॉवर्टी यानी कि गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, प्राइस राइज, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सोशलिज्म के थ्रू ही सॉल्व हो सकती हैं। CPIM इज़ द ओनली पार्टी विच बिलीव्स इन रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म। अब CPIM ही एक ऐसी पार्टी है वो जो बोलती है कि सोसाइटी के अंदर अगर कुछ भी बुरा हो रहा है या फिर इंस्टेबिलिटी है उसको वो रेवोल्यूशन लाकर यानी क्रांति लाकर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, की जो CPIM है वो किस तरीके से अपनी पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स जो है बनाएंगे। फर्स्ट है डिफेंस ऑफ सेकुलरिज्म। ये पार्टी जो है इंपॉर्टेंस देती है सेकुलरिज्म को, कि मींस धर्म और पॉलिटिक्स दोनों अलग चीज़ें हैं और इनको अलग ही रहना चाहिए। इसीलिए ये स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है कम्युनल वायलेंस के, कि धर्म के नाम पर जो भी दंगे फसाद होते हैं वो उसके कंप्लीट अगेंस्ट हैं और एक्शन लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब ये लोग ये चाहते हैं कि सरकार की जो इन्वेस्टमेंट है यानी पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर से, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जल्दी रैपिडली डेवलप हो सके, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ वहीं इन्वेस्ट करेगा जहां उन्हें बेनिफिट होगा और गवर्नमेंट वहां इन्वेस्ट करेगी जहां पर लोगों की डेवलपमेंट करवानी है। तो इसीलिए ये लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर उन्हें ज़्यादा फंड्स चाहिए सरकार को तो वो ज़्यादा टैक्सेस लगा सकती है जितनी भी रिच कम्युनिटी के लोग हैं। थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। CPIM जो है स्पेशल इंपॉर्टेंस देती है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को और ये कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर जो है वो टाइम के साथ ग्रो करना चाहिए। फोर्थ फूड सिक्योरिटी। CPIM जो है इस चीज़ के फेवर में है कि हंगर जो है, भुखमरी जो है इंडिया से ख़त्म होनी चाहिए और जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है या कॉमन लोग हैं वहाँ तक खाना जो है वो पहुँचना चाहिए। और जो सरकार का ये सिस्टम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अगर इसमें कुछ कमी है या फिर वीकनेसेस हैं उसको रिफॉर्म करके यानी चेंजेस करके ठीक करना चाहिए।
फिफ्थ, फाइटिंग करप्शन एंड इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी. ये पार्टी जो है स्ट्रिक्टली करप्शन के अंगेंस्ट है और ये कहते हैं कि जितने भी स्पेशल एफर्ट सरकार को लेने चाहिए करप्शन को ख़त्म करने के लिए वो सारे लेंगे. और उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो अकाउंटेबिलिटी के तरीके से काम करें. मीन्स वो जनता को आंसरेबल हों और जो भी पॉलिसीज़ आए वो ट्रांसपेरेंट हों, जनता से कुछ भी ना छुपाया जा सके और जनता जो है गवर्नमेंट से पूछ सके जितनी भी पॉलिसीज़ आ रही हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस. नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन पॉलिसी. सीपीआईएम इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए. किस कंट्री के साथ एनिमिटी रखनी है और किस कंट्री के साथ फ्रेंडशिप रखनी है ये इंडिया का खुद का डिसीजन होना चाहिए. इट फेवर्स पीसफुल रिलेशन विद ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ये इस चीज़ के फेवर में है कि इंडिया के पीसफुल रिलेशन होने चाहिए वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं. उसके अलावा ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ इंडिया के जो भी इशूज़ हैं उसको ऑन टेबल यानी डायलॉग के थ्रू सॉल्व करना चाहिए, ना कि वॉर के साथ. सेवन्थ पॉइंट है इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस. ये प्रॉमिस करते हैं कि ये स्पेशल एफर्ट्स उठाएंगे जितने भी लोगों के इंटरेस्ट हैं उनके लिए, जैसे कि वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ, एससी, एसटी, ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन. इन सब कम्युनिटी के लोगों के जो इंटरेस्ट है ये पार्टी जो है कहते हैं उसको सिक्योर करेंगे. इसके अलावा ये इस चीज़ के फेवर में है कि 33% सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में. एट पॉइंट है एजुकेशन. अब सीपीआईएम पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो ये कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए. उसके अलावा जितने भी स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स आने चाहिए यानी चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि वो जो सिस्टम चल रहा है वो बैकवर्ड और एंशियंट तरीके की जो पॉलिसीज़ है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है. और मोर फंड्स शुड बी मेड अवेलेबल टू द हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन के लिए स्कूल, कॉलेजेस और स्टूडेंट्स के लिए फंड्स अवेलेबल होने चाहिए. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द प्राइवेट सेक्टर शुड बी रेगुलेटेड स्ट्रिक्टली. अब जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट सेक्टर चला रहे हैं उस पर पब्लिक सेक्टर का यानी सरकार का प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से टैक्सेस लगाते हैं, फीस स्ट्रक्चर को इंक्रीज करते हैं और अननेसेसरी चीज़ों का बच्चों पर बर्डन डालते हैं. नाइन्थ पॉइंट है हेल्थ. पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है ये लोग कहते हैं कि डेवलप होना चाहिए कंट्री के अंदर, ताकि कॉमन पीपल जो है उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सकें. और इसके अलावा जितने भी प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन पर गवर्नमेंट प्रॉपर चेक करे, उनके रिकॉर्ड्स प्रॉपरली चेक होने चाहिए. कहीं वो अननेसेसरली जो टैक्सेज है, फीस हैं, वो तो लोगों से नहीं ले रहे हैं, तो इस चीज़ का प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए. टेंथ पॉइंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब ये पार्टी जो है साइंस और टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है कि कंट्री के अंदर 2% GDP का जो है वो स्पेंड होना चाहिए रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर में, ताकि कंट्री के अंदर साइंस और इन्वेंशंस को बढ़ावा मिले. 11th पॉइंट है अदर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. ये कहते हैं कि जो प्लानिंग कमीशन है वो री इस्टेब्लिश होना चाहिए. गवर्नमेंट ने 2014 के अंदर प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग स्टार्ट कर दिया, तो ये लोग कहते हैं कि अगर ये पावर में आते हैं तो प्लानिंग कमीशन ये दोबारा से री इस्टेब्लिश करेंगे. सेकेंड पॉइंट है टू प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज़ टू स्मॉल एंड मीडियम लेवल एंटरप्राइजेस, कि जितने भी छोटे और मीडियम लेवल के उद्योगपति हैं उनको सरकार जो है सपोर्ट करे, उनके लिए लोन्स जो है वो प्रोवाइड करे. थर्ड, टू मेक एफर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री, कि कंट्री के अंदर स्पोर्ट्स जो है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए. जो फिजिकल एजुकेशन है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होना चाहिए स्कूल लेवल तक. फोर्थ, टू मेंटेन इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ मीडिया, कि जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए. अगर वो सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहे तो वो टाइम टू टाइम कर पाए, ताकि लोग जो है सरकार की पॉलिसीज के बारे में अवेयर हो पाए. नाउ एंड में कॉन्क्लूजन 4 to 5 lines एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कॉन्क्लूजन इन द एंड. इससे आपका आंसर जो है कॉन्क्लूड हो जाएगा. अब कॉन्क्लूजन में आपने ये लिखना है कि जो इसकी लास्ट परफॉर्मेंस रही है इलेक्शन में इस पार्टी की क्या है. अब ये पार्टी ने सिर्फ 3 seats जीती थी 17th लोकसभा इलेक्शन में जो 2019 में हुआ था. इनकी जो परफॉर्मेंस थी 2014 से वो नीचे आई है. 2014 में इन्होंने 9 seats जीती थी और 2019 के अंदर 5 साल बाद इन्होंने सिर्फ 3 seats जीती थी. इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस पार्टी का बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है इंडिया के अंदर, और आने वाले टाइम में इस पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है वो इंडिया में कम हो रही है. वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ लाइक करो वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वही मेरे लिए एक फीडबैक है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है और मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए ऐसा कंटेंट जल्दी से जल्दी अपलोड करने के लिए. प्लीज़ सपोर्ट करो चैनल को. I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.